तो दोस्तों यहाँ पर अनीता बना रही है कड़ी पकोड़ा, कुछ इस तरह से निकाले हैं। मैं तो सोच रही हूँ पहले एक दो फोटो शूट हो जाती थी। जन्मदिन मुबारक। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वर्मा। शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 10 बजे से और बाहर न लगातार बारिश होती जा रही है सुबह 7 बजे से और अभी 10 बजे बज गए हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं दे रही है। और बाकी सब लोग घर ही पर है। आराध्य के पापा है किचन पे, जो कि आज फिर से बना रहे हैं रसगुल्ले, सॉरी गुलाब जामुन बना रहे हैं। और आज है खास दिन, जो कि है आज हमारे आराध्य का बर्थडे है। बर्थडे गर्ल किसका बर्थडे आराध्य? आज मेरा बर्थडे। नहाएगी नहीं? ना। क्यों? बारिश हो रही? पक्का? तब नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? तो आराध्य के पापा ने आज अपनी बेटी के बर्थडे पर बना रहे हैं गुलाब जामुन। फिर से एक बार गुलाब जामुन की तैयारी हो रही है। तो फर्स्ट बार है आराध्य के पापा आराध्य के बर्थडे में कर रहे हैं ना, है? देखते हैं कैसा कैसा होता है। आज तो बारिश ही होती जा रही है सुबह से और केक सेक लगता है। आज हलवा का केक बनाएंगे। बहुत ज्यादा है। गुलाब जामुन बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं केक सेक के लिए कहाँ जाएंगे, कौन जाता है करके देखते हैं। गुलाब जामुन भी बन के रेडी है। आराध्य के पापा ने गुलाब जामुन बना दिए हैं। ए देखो। तो दोस्तों यहाँ पर अनीता बना रही है कड़ी पकोड़ा और अनीता के कड़ी और पकोड़ा बना रही है, जो कि पकोड़े तो रेडी हो चुके हैं और कड़ी की अभी तैयारी है। यहाँ पर मसाला भून चुका है और यहाँ पर बनाने की तैयारी है। चलिए दोस्तों अभी खाना पीना भी हो गया है, क्योंकि आज बनाए थे मैंने, जो कि पतिदेव ने आप लोगों को बताया था अनीता कड़ी पकोड़ा बना रही, तो हो ही खा लिए हमने। और टाइम अभी 1 बज रहे हैं, क्योंकि आज जल्दी भी खाना पीना हो गया हमारा। और अभी अब से कौन मैं आए हैं यहाँ नीचे वाले आंगन में घूमने, पतिदेव कर रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ बात। तो बारिश ही लगी थी और अभी बारिश होने के बाद थोड़ा अभी धूप खिलने लग गई, मतलब धूप लगने लग गई है। और आराध्य का जन्मदिन भी है आज, तो उसके लिए तो केक सेक तो लाना ही है, तो इसलिए आज तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं परसों वहाँ जब गई थी और कल मंदार गई थी, तो मैंने सोचा डेली बच्चों को छोड़ना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ना आज सुबह से तो कहाँ से जाना था, बारिश ही थी तो माँ जब नहीं जा पाए कोई भी नहीं, तो कांची को आरती के पापा को बोला मैंने कि कांची को सपना को लगाते हैं। तो अभी जा रही है सपना, कांची जा रही है मंदार, क्योंकि केक सेक लेके आएंगे वहाँ से, क्योंकि सुबह से तो बारिश ही थी तो कहाँ से जाना। तो आरती के पापा को बोला मैंने कि कांची को सपना को लगाते हैं, तो माँ जब तो नहीं जा पाए और आज ना मंदारी से लाएंगे केक। अरे देखो रो रहा, अरे ना रोता ही है, मालिश किया अभी उस इस पे तो अभी रोने लग गए। तो ऐसे ही करता है ये, मालिश करने के लिए रोता है, मैं ऐसे करता है यानी देखो। आराध्य के पापा ना लग गए अपने दोस्त लोगों के साथ बातें करने में। और यहाँ पे देखो हमारा ये पगार फिर से दीवार टूट गया, ये देखो लगाई थी ना हमने यहाँ की साइड, वो पूरा टूट गया है। और बारिश में ऐसा ही होता है यार, जैसी बारिश हो वैसे ही टूटना फूटना स्टार्ट होता है। बारिश में तो कम होता है, जैसी बारिश रुक जाती है धूप लगना स्टार्ट होता है, वैसे ही दीवार वगैरह टूटना स्टार्ट हो जाता है, टूट फूट। आराध्य के पापा की पूरी मेहनत चली गई, क्या करें यार दोस्तों, ऐसे ही हो रहा। और इस बार ना ऐसे ही हो रहा, एक काम हो रहा तो दूसरा ऐसा हो रहा, दूसरा ऐसा हो रहा, तीसरा ऐसा हो रहा। तो गए हैं केक के लिए और आराध्य के पापा गए हैं अभी दुकान की साइड, और आराध्य यहाँ पे खेल रहे हैं, मतलब आराध्य खेल रही है आपसे मेरी गोदी में है। और इसे ना अगर नीचे रखे ना आजकल तो ये ना मिट्टी खाने लग जाता है, इतना मिट्टी खोर हो गया है, ये देखो। अभी मैंने उसको मुँह ना फूस लिया है, वह ना मिट्टी खराब, बाप रे इतना बिगड़ा लड़का है ना ये। हाँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आजकल के झेल से की तबीयत, तो आजकल थोड़ा ठीक ही है। आराध्य के पापा भी आएंगे दुकान की साइड में, वैसे तो मैंने बोला है जल्दी आना आप, क्योंकि जो लाएंगे ना नूडल्स वगैरह आराध्य के बर्थडे में, तो उसे भी बनाएंगे,
मैंने कहा इस बार तुम बनाओगे पतिदेव के लिए, मैंने कहा इस बार तुम बनाओगे, फिर अगली बार मैं मिस करूँगी कि पिछली बार आदि के पापा तैयार रहते कि बर्थडे में घर, तो इसलिए उनको बोला मैं जल्दी आना, तो देखते हैं कब तक आते हैं आरती के पापा और वो भी जो मनार गए हैं सपनों में, तो हाल फिलहाल भी हम घूम ही रहे हैं। चलिए जी आ गए हमारे बर्थडे के सामने में, तो सब कुछ सामान मैंने एक केक है आराध्या का है, दो टोपली लाया यार, डुप्लीकेट आ गई, यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन छोटी मोटी, ये देखो पायल भी आ चुकी है और आज ना कोई नहीं आ रहा है ना, अटक गए क्योंकि चौमास के टाइम पे ना झाड़ी वगैरह होती है तो बाल वगैरह का डर है, सोर वगैरह का डर है, तो इसलिए ना कोई नहीं आता है यार। इस बार ना मेरी बहन नहीं आई सरोजनी, तो उसने कल ही मना कर दिया था, बोला इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैंने आज फोन भी नहीं किया जैसे कि आप बोला कर कुछ नहीं पूछा। देखो इनकी यहाँ पे फोटो शूट चल रही है, ये तो इन्होंने पूरा लगा दिया है, कहा था कि मैं तो बना रही हूँ खाना, ये कर रही है मोटा डेकोरेशन, खाना पीना भी बन चुका है और डेकोरेशन भी पूरा हो चुका है, ये देखो एक बार दिखते हैं। मुबारक हो तुम थोड़े, मुबारक हो तुम थोड़ी, जन्मदिन तुम्हारो, मुबारक हो तुम थोड़ी, जन्मदिन तुम्हारो, राजी खुशी रहा तुम जुग जुग। कुछ इस तरह से निकाले हैं, मैं तो सोच रही हूँ पहले एक दो फोटो शूट हो जाती थी बलून के साथ तो अच्छा था। तो चले आप केक बुलाओ उनको, सबको बुलाओ, तो पायल की मम्मी पापा भी आ गए हैं, पायल को ले लो, अभी हम खा रहे बिस्किट आराम। चलो जी केक कटिंग करते हैं, आप लेके आए हम हैप्पी बर्थडे वाले, देखो एक आराध्य के लिए और एक अभिषेक के लिए, अभिषेक की टोपी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जोर से बोल लो हैप्पी बर्थडे, अभिषेक की टोपी गोल काटन की एक ये चाकू मेरा, आपसे तो टोपी रख नहीं रहा, चलिए केनल की कटिंग कर रहा है, फोटो भी खींचे यार बड़ी जबरदस्त आए जिया ने मुखड़ी पर तुम्हारी खिल दी। तो मेरे आराध्य की जब भी बर्थडे आता है उसका वैसे उस टाइम उसकी तबीयत ही खराब रहती थी, लेकिन इस बार ठीक है, आराध्य की फोटो है इस बार मस्त आएगी, आज ना पोज भी मारी आराध्य, एक्साइटेड थी आराधु की मेरे लिए केक आ रहा, केक आ रहा मेरा बर्थडे मुस्काने राजी खुशी रहा तुम, तुम चुक चुक जिया ने मुखड़ी पर तुम्हारी खिलती रहो मुस्काने, हैप्पी बर्थडे टू यू आराध्या, मुझे मुझे आराध्या हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन तुम्हारो मुबारक हो तुम कोणी, जन्मदिन तुम्हारो। जी आप चली गई है कांची दूसरे आराध्य को केक खिलाने, ये अब तो ले लेंगे केक, अब तो भी खिलाओ बो है काट खुला बो है ले आप खाओ ले खाओ है, मम्मी कम चूस होती है तू भी खा लो हो सुखों की पोछारे तुम्हारा जीवन में हो सुखों की बौछार दिल। से याद वाचा यू दिनों बार बार, यू दिनों बार बार,